संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, लेकिन दोनों ही सदनों में नोटबंदी के कारण लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, सपा, वामदल जहां संसद के भीतर सरकार को घेर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने संसद के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश की। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त लामबंदी करते हुए इस फैसले से समाज के गरीब तबके को हो रही परेशानी की ओर सरकार को ध्यान देने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की उनकी समकक्ष ममता बनर्जी ने नोटबंदी के फैसले को वापस लेने के लिए मोदी सरकार को चेतावनी दी कि यदि वर्तमान अफरा तफरी जारी रही तो व्यापक अशांति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री पर करारा प्रहार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि विमुद्रीकरण स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी को तानाशाही के माध्यम से देश नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऐसा संकट है जो आपातकाल में भी नजर नहीं आया था। सब्जी मंडी नहीं चलेगा, सब्जी बाजार में नहीं आएगा तो क्या डायमंड खाएगा, ना क्या एटीएम खाएगा, क्या खाएगा लोगों ने? पहले तो खाने दो, रोटी कपड़ा मकान पहले दो। सबसे ज्यादा छोटा चीज होता है रोटी कपड़ा मकान, ए है हिंदुस्तान, अब सब भूल गया है। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500-500 1000-1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। आजादपुर के एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी में व्यापारियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर काला धन निकालने के नाम पर आम आदमी पर मुश्किलों का पहाड़ तोड़ने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने बाद में संसद मार्ग पर भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया एवं मांग की कि यह केंद्रीय बैंक उन्हें नोटों की उपलब्धता के बारे में बताए। इससे पहले ममता बनर्जी ने शिवसेना, आप व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ जाकर इस मामले में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। एक ओर जहां सड़क पर विपक्ष का विरोध, दूसरी ओर संसद में विपक्ष का हंगामा। नोटबंदी पर सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेकर कोई गलती की है। नोटबंदी के मामले पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी हंगामा जारी है। बुधवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा के साथ मत विभाजन भी चाहते हैं, जबकि सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बहस को टालना चाहती है ताकि एटीएम और बैंकों के बाहर लाइनें कम हों और कैश की दिक्कत से निजात पाने का कुछ और वक्त मिल जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार की गलत नीति से जितने लोग मर गए हैं उससे आधे तो पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमले में भी नहीं मारे थे। मोनेटाइजेशन का किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। भाजपा सांसदों ने इस बयान का विरोध किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने कहा है कि विपक्ष के नेता इस तरह के बयान देकर और इसकी तुलना पाकिस्तानी आतंकी हमलों से करके राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरकार के कड़े विरोध के बाद यह बयान कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन माफी की मांग को खारिज करते हुए आजाद ने कहा है कि देश को अव्यवस्था की कगार तक लाने के लिए बीजेपी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, न कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। भाजपा माफी मांगेगी इसके आसार तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ हंगामा जरूर बढ़ेगा यह तय है। सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता तो लाइन में खड़ी है और इंतजार कर रही है कि कब उसकी जेब में उसकी ही रकम वापस आएगी।
पूर्ण बहुमत की सरकार से अभी लड़ने की स्थिति में वह नहीं है। हाँ, यह जरूर कह रही है कि यकीन उनके वादे पर लाना पड़ेगा, यकीन उनके वादे पर लाना पड़ेगा, यह धोखा दानिश्ता खाना पड़ेगा।